राजधानी दिल्ली में कूड़े पर सियासी पारा लगातार गर्म होता जा रहा है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। जहां एक ओर बीते गुरुवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने कूड़े के पहाड़ को लेकर सीएम केजरीवाल के खिलाफ अपना विरोध प्रकट किया, तो इसका जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए शुक्रवार को आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के सभी 70 विधानसभा में अपना आक्रोश व्यक्त किया। आप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में कूड़े के ढेर के मुद्दे पर भाजपा के खिलाफ विरोध प्रकट किया। कुछ ऐसे ही तस्वीर दिल्ली के सुल्तानपुर माजरा विधानसभा में भी देखने को मिली, जहां बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। स्थानीय विधायक मुकेश अहलावत के नेतृत्व में एकजुट हुए आप कार्यकर्ताओं ने हाथों में पोस्टर और बैनर के माध्यम से कूड़े के खिलाफ अपना आक्रोश दिखाते हुए भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर आप विधायक मुकेश अहलावत ने भाजपा के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए कहा कि पिछले 15 वर्षों में पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब भाजपा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कूड़े का ढेर लगाने की योजना बना रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसी मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बन रहे कूड़े के ढेर के खिलाफ यह मोर्चा खोला है। जो 3 कूड़े के पहाड़ बना रखे हैं पूरी दिल्ली में, जहाँ पर बलसपा में है और आपके इधर ओखला में है और एक गाजीपुर में है, 3 जगह है। उनको बीजेपी की ये नीति है कि हम कूड़े के पहाड़ को निकाल कम करने करके और हर विधानसभा में एक कूड़े का अलग से पहाड़ बना देंगे, वो इकट्ठा करेंगे। लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन दूसरे भी हैं ना। तो उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है एमसीडी वालों के पास, लेकिन केजरीवाल जी के पास प्लानिंग है कि हम इस कूड़े के पहाड़ को कूड़े को ख़त्म कर सकते हैं। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम उसमें बायोगैस बना सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हम कर सकते हैं। अभी हमने दिल्ली सरकार ने एमसीडी को ये वो भी दिए, हमने मशीनें लगवाई है जिससे कूड़े वहाँ पर ख़त्म किए जाते हैं और उससे बायोगैस या प्लांट बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, वो कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों के पास कोई भी प्लानिंग नहीं, 15 साल से बीजेपी यहाँ पर रही है। हम इसको चुनावी रणनीति नहीं कहेंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता जो है पिछले कई वर्षों से जो है परेशान है कूड़े को लेकर। जब हम दिल्ली के अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कूड़े का पहाड़ हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है, लोग पहचान जाते हैं कि हम दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन इससे हमारी जो छवि है वो बहुत ही ख़राब हो रही है। हम अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मुझे स्कूल अच्छे करने हैं, बीजेपी कहती है हमें कूड़े का पहाड़ बनाना है। स्कूल जब अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हमें मोहल्ला क्लिनिक बनाने, हॉस्पिटल अच्छे करने हैं, तो बीजेपी वाले बोलते हैं हमें कूड़े का पहाड़ बनाना है। जब अरविंद केजरीवाल जी लोगों को अच्छी सुविधाएं देने की बात करते हैं तो बीजेपी वाले कूड़े की बात करते हैं। इससे साफ पता चलता है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी जो है वो विकास की राह पर चलते हैं और बीजेपी वालों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कूड़ा भरा हुआ है। राजनीति नहीं हो रही है, बहुत बड़ी गंभीर समस्या है हमारे आने वाले, अभी भी है वर्तमान में और आने वाले जीवन में तो बहुत ही भयंकर होने वाली है। जिस प्रकार ये हमारे दिल्ली को कूड़ा का एक ढेर बना दिया है, जो बीजेपी शासित 15 साल से एमसीडी के अंदर बीजेपी शासित एमसीडी ने पूरा दिल्ली को हर जगह कूड़ा कूड़ा कराया, काम करते नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपना भ्रष्टाचार का ये कूड़े के पहाड़ बना दिए, जो दिल्ली के हर एंट्रेंस पे आपको देखने को मिलेंगे। दिल्ली के अंदर आपको 3 कूड़े के पहाड़ मिलते हैं, जो कि पहले गाजीपुर में है, जो कि कल हमारे अरविंद जी ने उसके ऊपर उसका विरोध जताया है, पुरजोर विरोध जताया। आम आदमी पार्टी उसका पुरजोर विरोध कर रही है। गाजीपुर हो गया, बलसवा हो गया और हमारा ओखला, ये 3 जगह पर इतने ऊँचे ऊँचे पहाड़ बनाए हुए हैं कूड़े के, जिसके कारण कई किलोमीटर तक वहाँ पर रहने वाले लोगों का जीवन बहुत ही अस्त व्यस्त हो गया। एमसीडी का एक बहुत ज़्यादा गलत निर्णय है, जो कि वो 3 जगह कूड़े के ढेर बनवा चुकी है, जैसे कि अपना भलसवा में निकलवा चुकी है, गाजीपुर में निकलवा चुकी है, अब वो 16 जगह और कूड़े के ढेर बनाना चाह रही है। तो उससे जो है बड़ी बीमारियों का फैलने का आशंका रहती है और ये पूरा घना क्षेत्र है जो कि यहाँ बनाना बहुत ही गलत है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि ये कूड़े के ढेर पूरी दिल्ली में कहीं भी ना बने। आपको बता दें कि बीते गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गाजीपुर स्थित लैंडफिल साइट पर दौरा करने पहुंचे थे। उस वक्त भाजपा ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। उसी का जवाब देते हुए शुक्रवार को आप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला और एमसीडी में पिछले 15 सालों के शासन को लेकर घेरा। गौरतलब है कि दिल्ली में एक बार फिर से एमसीडी के चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है, जिसको लेकर राजधानी में राजनीति तेज होती नजर आ रही है।
इसी को लेकर एक बार फिर से आप और भाजपा आमने सामने दिखाई दे रही है। दिल्ली से अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।